नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार क्लोज हुई है 17,800 पे। ये क्लोजिंग कितनी अच्छी है मैं आपको दो तरीके से समझाना चाहता हूँ। पहला, यहाँ पर ट्रैप हुए हैं कौन, जो कल शॉर्ट करके बैठे थे। कौन है वो? उनका नाम है FIIs, प्लस कुछ छोटे ट्रेडर्स भी होंगे, कुछ HNIs भी होंगे, वो शॉर्ट करके बैठे थे। वो लोग हुए हैं ट्रैप। यानी कि अब बाजार अगर 17,800 को टिका गई, मतलब कल के दिन में, आने वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप ये मत सोचना मैं सैटरडे को ट्रेडिंग करवा दूंगा। बाकी ये जो हफ्ता गया ना, ये बहुत बुरी क्लोजिंग का हफ्ता हो सकता था, लेकिन आज के दिन ने हमको बचा लिया। ठीक है, क्यों बचा लिया? 17,800 पे हम क्लोज हुए हैं। यहाँ पर आप इस डेटा को चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप इस डेटा को चेक कर सकते हो, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग है। चाहे आप पिछले हफ्ते से भी अगर आप इसको कंपेयर करके देखना चाहो ना, उससे बढ़िया वाली ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग बेसिस पे भी, और जिस हिसाब से हमने लोअर लेवल्स पे स्ट्रेंथ दिखाई। लोअर लेवल पे स्ट्रेंथ की वैल्यू मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। मैंने एक सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पर दिया था, भले ही बाजार वहाँ तक नहीं आई, भले ही हमारा ट्रेड कल की तरह यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन बाजार ने उसको सम्मान देने की बात ठानी, और यहाँ पर इस लेवल को बाजार ने सम्मान दिया। एग्जैक्टली मेरा लेवल नहीं, बाजार ने 17,600 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसको बाजार ने सम्मान देने की बात ठानी। यहाँ पर इस लेवल को आप हटा करके 17,600 देख सकते हो, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 17,500 दूर था और ये अनएक्सपेक्टेड बात हुई। मैं ये सोच रहा था कि जब तक बाजार 17,500 के नज़दीक नहीं जाएगी, तब तक बाजार में इतना बढ़िया सपोर्ट नहीं मिल सकता, लेकिन बाजार ने यहाँ पर मुझे गलत प्रूफ किया। अच्छी बात है, पॉजिटिव साइड चली, और जब भी बाजार मुझे गलत प्रूफ करके पॉजिटिव साइड जाती है मैं बहुत खुश होता हूँ। इंटरनल फीलिंग, ब्लिस वाली फीलिंग आती है, मज़ा आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं लेवल्स की। ठीक है, 3 मिनट और 10 मिनट की कैंडल पे पुट खरीदने की सलाह दी थी सेटअप ने। 3 मिनट की कैंडल पे टारगेट हिट हुआ, 10 मिनट की कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे हुआ। अगर आप के साथ कुछ अलग हुआ है तो आप सवाल पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर यहाँ पर बाजार खुलती है, लोअर जाने लगती है, मतलब कि नीचे जाने लगती है। ये एक लेवल होता है, और लेवल को तोड़ करके या लेवल के पास से जब बाजार नीचे जाने लगे तो वो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी होती है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आपका डिसीजन आपका होगा, आप क्या डिसीजन लेते हैं वो आप जानो। ठीक है, यहाँ पर सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिली केवल एक लॉट, क्योंकि हमको एवरेज करने का मौका नहीं मिला, इसलिए मेरा ट्रेड यहाँ पर सिर्फ एक लॉट में था। उसके बाद जो मेरा टारगेट लगा था 600 के आसपास, मैं यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करके रख रहा था, लेकिन वो भी टारगेट मेरा यहाँ पर अचीव नहीं हुआ, यहाँ पर हो जाता। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई साइकोलॉजिकल लेवल हो और मेरा लेवल हो आसपास होता है, तो साइकोलॉजिकल लेवल से पहले ही आपको टारगेट लगा देना चाहिए। ये आपको भी मैं कई बार बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर टारगेट लगाया था, यहाँ पर मैंने टारगेट लगाया था, सिंगल लॉट में मेरा ट्रेड था, क्योंकि एवरेज करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। 20-30-50 का रूल मैं तुरंत वाला ट्रेड में, मतलब कि जो तुरंत इंस्टेंट ट्रेड मिलता उसमें अपनाता हूँ, लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक, ये ऊपर चलेगी बाजार, हमको यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट दे दी। कॉस्ट पर, कॉस्ट क्या होता है? जब बाजार आपके टारगेट के पास से ही रिवर्स कर जाए तो आप कॉस्ट पर एग्जिट करते हो। फिर से बाजार नीचे आई, अगर हम यहाँ पर एग्जिट नहीं किए होते तो हमको टारगेट मिल जाता, लेकिन यहाँ पर जो बाई साइड का ट्रेड था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि ये तुरंत बाइंग साइड वाली कैंडल काफ़ी बड़ी बन गई, और इस कैंडल की वैल्यू भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जनरली ऐसा बाजार बिहेवियर नहीं दिखा रही थी। ये कैंडल लगभग 35 पॉइंट की बन गई, ठीक है, 0.20% के आसपास की एक ही अकेली कैंडल बन गई। अब इतना ऊपर बीच मझधार में, यहाँ से भी इतनी दूरी, लगभग यहाँ से इतनी दूरी, तो बीच मझधार में तो कोई पॉजिटिव ट्रेड लेते बनता नहीं है। हम नहीं लिए, और अफसोस इस बात का कि नहीं लेने के बाद बाजार ने हमको टारगेट दिया है। ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं देती थी, यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया वहाँ पर बाजार ने मुझे क्या एग्जिट दिया वो आपको पता है। यहाँ पर परफेक्टली ट्रेड मिला, ये वाला ट्रेड बहुत अच्छा था। यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड था और तुरंत टारगेट आया, यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड था तुरंत टारगेट आया। ठीक है, अफसोस यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले पाए, सिंगल लॉट बिल्कुल यही वाला ट्रेड था, लेकिन यहाँ पर जो टारगेट मिलना चाहिए था, जो कि मैं यहाँ पर सोचा कि नहीं बुक करते हैं क्योंकि अब धूमधड़ाका हो सकता है, छोटा सा ही प्रॉफिट मिला, लेकिन ठीक है। यहाँ और यहाँ वाले ट्रेड से हमने क्या सीखा वो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। और एक चीज़ याद रखना, जब भी बाजार आपके साथ हो जाए, मतलब कि आपको फेवर कर जाए, बाई साइड का ट्रेड भी दे दे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के देखोगे पूरा सिग्नल दिया है, उसके बाद एवरेज करने का मौका भी दे दे, तो आपको टारगेट से नहीं चूकना है। और यहाँ पर देखिए, बाजार पहले से रिवर्स नहीं की, थोड़ा सा ऊपर भी गई है, और लेवल को किस तरीके से सम्मान मिला आप यहाँ से देख सकते हो। एक बार, दो बार और तीसरी बार जब बाजार ने इसको अटेम्प्ट किया तो फिर दोबारा घूम करके इसके पास नहीं आई है। यहाँ पर इस लेवल को बाजार ने कैसे सम्मान दिया, एक बार, दो बार और तीसरी बार जब बाजार ने इसको अटेम्प्ट किया, फिर दोबारा अगर आई भी तो यहीं पर सपोर्ट लेकर के ऊपर चली गई। ये होती है लेवल्स की अहमियत, आप अपने हिसाब से ट्रेड करके समझ सकते हो उसको। कल आप देखिए, मेरा लेवल मेरे ही साथ नहीं खड़ा था, आज भी मेरा लेवल बहुत मेरे साथ नहीं खड़ा था, लेकिन फिर भी उसने मुझे लॉस नहीं दिया। तो ये एक अच्छी बात है, जब आप रूल्स पे स्टिक करके ट्रेड करते हो ना,
तो पहली बात तो 50% काम आपके रूल्स कर जाते हैं, और लेवल्स अगर वहां पर कारगर हो गए तो बहुत मजा आ ही जाता है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी हो। कल वाले ट्रेड में बैंक निफ्टी, वैसे भी मैं जनरली यहाँ पर क्वांटिटी कम रखता हूँ, और आज भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो सकती थी। यहाँ पर मैं बाई साइड का ट्रेड नहीं ले पाया, यहाँ पर मैं बाई साइड का ट्रेड नहीं ले पाया, लेकिन यहाँ पर ले पाया। क्यों ले पाया? यहाँ पर बहुत आसान ट्रेड था, आपको लोअर लेवल्स पे, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के देखो कि बाई साइड का ट्रेड मिला, रिट्रेसमेंट का मौका दिया, सपोर्ट जस्ट अवेलेबल था, तो आप क्यों नहीं लोगे ट्रेड। उसके बाद टारगेट मिला, यहाँ पर हम इस किए, यहाँ पर हम इस किए, और यहाँ पर टारगेट नहीं आता, लेकिन यहाँ पर तो टारगेट आ गया था, समझ रहे हैं। ये वाला ट्रेड, यहाँ पर जो ट्रेड लिया गया था वो कॉस्ट पर एग्जिट हो गया। क्यों एग्जिट हो गया आप यहाँ पर बहुत आसानी से समझ सकते हो, 3 बजे के बाद वैसे भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसलिए क्वांटिटी भी अंत के और शुरुआत वाली जो ट्रेड्स होते हैं वहाँ पर क्वांटिटी कम रहती है। बाकी बाजार जहाँ अपने लेवल्स को बहुत अच्छे से सम्मान देती हुई पाई जाती है, जैसे कि 1 बार 2 बार 3 बार, एग्जैक्टली यही लेवल आपको सपोर्ट के रूप में बताया गया था, या नहीं आप जाकर के चेक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल होता है। कभी कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, कभी कभी रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, आई होप आप समझ रहे होगे। तो ये होती है लेवल्स की अहमियत 3 मिनट 10 मिनट की ट्रेड से। जिसको भी मतलब एग्रीमेंट नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमारा टारगेट आया, किस तरीके से, एक चीज़ मैं आपको बस जनरली बता करके जा रहा हूँ। देखिए, जब बाज़ार ऊपर से गिर रही है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई बता दे मेरा सेटअप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ट्रेड नहीं ले पाया, मेरे सेटअप ने बोला भैया आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, पुट अभी भी खरीद सकते हो, मैंने पुट खरीदा, मुझे टारगेट दे दिया, वहाँ पर छोटे टारगेट के लिए हम जाते हैं 20 पॉइंट या फिर 1000 रुपये एक लॉट पे, ठीक है, उसके लिए आप जो भी समझना चाहो, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो या ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना होता है, ठीक है। अब कोई आपको यहाँ पर बोले भैया अभी भी पुट खरीद लो, आप ही का सेटअप बोल रहा है, आप कहोगे भाई साहब ये जो सपोर्ट अवेलेबल है या तो ये टूट तोड़ दे बाजार या फिर हमको रिट्रेसमेंट दे दे, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, क्योंकि यही चीज़ आपको वहाँ पर भी समझाई जाएगी अगर आप अपना सवाल पूछोगे तो। हाँ, एक सवाल से याद आया, सवाल हमसे पूछा गया था ये कि इंडेक्स का सबसे कम मार्केट वाले शेयर्स आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट है। देखो यार, डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन नेक्स्ट 50, निफ्टी, मिड कैप, और आप स्क्रीनर लिख सकते हो, स्क्रीनर बाई मार्केट कैप, और इंडेक्सेस वहां पर आ जाएंगे, ठीक। स्क्रीनर बाई मार्केट कैप आप गूगल पे लिखोगे, आ जाएंगे ढेर सारे स्क्रीनर्स। उसके बाद आप वेबसाइट पे जाइए, एनएससी या बीएससी इंडिया के, ठीक है, यहां पर आप मार्केट डेटा पे जाओगे, यहां पर आप इंडाइसिस पे जाओगे, ठीक है, आप मोबाइल पे हो तो पीसी वाला कर लेना, आपको बात समझ में आ जाएगी। जब आप इंडाइसिस पे जाओगे आपको यहां पर सारे इंडेक्सेस मिल जाएंगे, निफ्टी, नेक्स्ट निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप, मिड कैप, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। तो यहां से आप शेयर्स उठा लो, उसके बाद उन शेयर्स के नाम देख लो स्क्रीनर वाली वेबसाइट में, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, समझ गए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंडेक्सेस कैसे परफॉर्म किए हैं। आज बैंक निफ्टी ने काबिले तारीफ रिकवरी दिखाई लोअर लेवल से, और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, इनमें जो शेयर्स अवेलेबल है ना, वो मतलब पूरी बाज़ार को एक रुख देते हैं, ये तो बिल्कुल जानी पहचानी सी बात है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई, निफ्टी में आपके दो प्यारे दुलारे स्टॉक, पहला तो ITC और दूसरा SBI लाइफ, ये दोनों ही कमाल के चले हैं, मतलब आज क्वालिटी चली है। ग्रासिम देख लीजिए, ITC, SBI लाइफ, JSW स्टील, अदानी पोर्ट्स, बढ़िया, और ग्रासिम 6% ऊपर है, अनएक्सपेक्टेड, सबसे बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई ITC के साथ, गजब गजब क्लोजिंग हुई है ITC की, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में चोला फाइनेंस 8% ऊपर, अदानी ग्रीन देखिए, ट्रांसमिशन, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ओ माई गुडनेस, गजब। कोलगेट नीचे है 1.5%। एक चीज़ और बात हो रही थी रुचि सोया की, ठीक है, रुचि सोया कमाल का ट्रेड आज करके दिखाया भाई साहब, मतलब FPO लॉन्च हुआ आज, बाबा जी बुल की सिंग पकड़ कर फोटो भी खिंचा लिए, ऊपर लिस्ट हुआ, नीचे गया, और फिर डे हाई पे आकर के क्लोजिंग दिया। कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आई है, उनके डीमैट में शेयर्स आ गए हैं लेकिन होल्डिंग्स में शो नहीं कर रहा है, वो बेच नहीं पाए, तकलीफ़ ना उठाएं, मेरे हिसाब से आपको कल भी बेचने का बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा। जिन लोगों ने मेरे कहने पे FPO में अप्लाई किया था, मेरी यही सलाह है कि आप 1000 के टारगेट के लिए जा सकते हो, लेकिन बस वही है ना कि स्टॉप लॉस बता दूंगा, फिर कहोगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस मत बताओ, 875, जाने दीजिए, आप अपने हिसाब से समझ बूझ लगा करके करिएगा। अधिक जानकारी अगर कंपनी के बारे में चाहिए तो IPO वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अन्य स्टॉक्स की बात करें बैंक निफ्टी में, क्योंकि आज इनसे उम्मीदें कुछ ज़्यादा थी, भले ही ये परसेंटेज टर्म्स में कम चले हैं, लेकिन जो अपना HDFC बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, ये आपका ICICI, एक्सिस, इनसे उम्मीदें थी कि ये बढ़िया चलेंगे, लेकिन ये नहीं चले, ठीक। चले हैं छोटे छोटे बैंक जैसे कि फेडरल, AU स्मॉल फाइनेंस, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक भी चलने की कोशिश किया, इंडसइंड और कोटक में उतना वेटेज नहीं है बैंक निफ्टी का कि ये पूरी संभाल के रख सकें,
इसी कारण ये इंडेक्स अंडर परफॉर्म किया। दूसरे एंगल से देखोगे तो गिरावट रुकी है, खासकर HDFC और HDFC बैंक में, और इसी कारण आज बाज़ार भी पॉजिटिव थी। इसी कारण आज बैंक निफ्टी और छोटे इंडेक्सेस भी काफ़ी बढ़िया ट्रेड करके गए हैं। तो जो टास्क है वो आपको मिलेगा आज रात वाली वीडियो में। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। स्क्रीनर जो वेबसाइट है, काफ़ी कमाल की वेबसाइट है, मैंने उसको काफ़ी यूज़ किया है, आप भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको लिखना है मार्केट कैप स्क्रीनर, लिस्ट आ जाएगी, शायद अगर मैं नाम रिकॉल कर पा रहा हूँ, सलोनी जी ने बनाया है ये और बहुत कमाल का है। वहाँ पर ये स्क्रीनर आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, वहाँ से आप स्टॉक्स के नाम निकाल सकते हो और उनको आप चेक कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा कुछ चीज़ों का। बाकी अगर आप NSE की वेबसाइट पर भी जा कर के चेक करना चाहते हो कि मार्केट कैप कैसा है, कितना है, तो आप यहाँ पर मार्केट कैप देख सकते हो, बिल्कुल साफ साफ आपके सामने लिखा भी होता है। कैसे, देखो कहानी सबकी अलग अलग बन जाती है वेबसाइट्स की, कुछ वेबसाइट्स में डेटा आगे पीछे हो जाता है, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ NSE BSE का ही डेटा आपको सबमिट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप खोलोगे पहले तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स दिख जाएंगे कंपनी के पास कितने, कोई भी हो। उसके बाद जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपके पास मार्केट कैप आ जाएगा, टोटल मार्केट कैप 61,000 करोड़, फ्री फ्लोट 27,000 करोड़, ऐसे ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसको आप एक रेफरेंस के तौर पे लीजिएगा। अभी विदा ले रहा हूँ। समझ गए होंगे तो आराम से आप टास्क सबमिट कर देंगे, बहुत सारे लोगों ने बिना पूछे कर भी दिया है, कुछ लोगों ने पूछा तो मैंने सोचा बता देता हूँ। अभी इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।